अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सर जब आंखों के सामने गलत हो रहा हो ना तब गुस्सा आना जायज है, और मेरी बहन कभी झूठ नहीं बोलती। और मेरा भाई कभी मेरी झूठी कसम नहीं खाता, तो जाहिर सी बात दोनों एक साथ सच तो नहीं बोल सकते। इसका मतलब साफ है, दोनों में से एक झूठ बोल रहा है या फिर ये गलत फहमी है। देखिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपनी ये कंप्लेंट वापस ले लो, और उसके बदले में मेरा भाई तुम दोनों से माफी मांगेगा। मैं बात करूंगा उससे। फाविद आंसर, क्या बीच का रास्ता निकाला है आपने? आपका भाई अगर नाक रगड़ कर भी माफी मांगेगा ना तो भी मैं उसे माफ नहीं करूंगी। फिदान सर, आपको देखकर मुझे हमेशा लगता था कि आप बहुत समझदार इंसान हैं, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूँ। आपको अपने भाई की गलती नजर नहीं आ रही? बहुत शर्म की बात है ये। फिदान सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपकी बहुत एहसान है मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर, लेकिन आज मैं ये बोलने से जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी कि आप यहाँ गलत है। यहाँ कंप्लेन वापस लेने से ये साबित होगा कि मैं और मेरी बहन गलत है, और आपका भाई और उसके दोस्त निर्दोष साबित होंगे। मैं और मेरी बहन गलत नहीं है सर, तो मैं ये कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आपको जब भी हमारी गवाही की जरूरत होगी आप हमें बुला लेना, पर उनको छोड़ना मत। ज्योति, जितना प्यार तुम अपनी बहन से करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपने भाई से करता हूं। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर ये कंप्लेंट वापस नहीं लोगे तो मेरा भाई जेल में रहेगा? नहीं, वो निर्दोष है और उसके साथ उसका बड़ा भाई खड़ा है। 2 घंटे, 2 घंटे में मेरा भाई पुलिस कस्टडी से बाहर होगा। और जाते जाते एक आखिरी बात सुनती जाओ, इस मीटिंग के बाद हम दोनों के बीच भरोसे जैसी चीज तो रही नहीं, और बिना भरोसे के बिजनेस किया नहीं जाता। इसलिए अब तुम्हें आखिरी ऑर्डर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। देखना, हमारा इस शहर में सबसे बड़ा वर्कशॉप होगा, 100 मशीनें होंगी और फुल एसी होगा। हमारा काम ना सबसे अच्छा चलेगा, फिर तुझे कुछ भी चाहिए होगा ना तू ले लेना। अभी आजादी खत्म और घूंघट वाले दिन शुरू। ये दिन भी बड़े कमाल के होते हैं, नए नए साजन और नए नए रोमांस। एक बात तो है, बड़ी किस्मत वाली है जो इतना अच्छा घराना मिला है। दोनों देवरानी जेठानी बनके एक ही घर जा रही है। पंद्रह दिन दे रहे हैं आपको तैयारी करने के लिए। 15 दिन बाद आपको दुल्हन बनके हमारे घर ही आना है। निवेदन है कि ज्योति वासु दीक्षित की सुपुत्री विवाह के बंधन में बन जाए, पूर्ण रूप से हरि की ज्ञाता बन जाए।
शादी करनी है ना तो एक बात मैं छोटे से दिमाग में बैठा ले, शादी दो होगी तेरी किरण के साथ और मेरी ज्योति के साथ। अगर ये चाहते तो सॉरी बोल के चुपचाप साइड में खड़े हो जाते, पर इन्होंने ऑन द स्पॉट अपनी गलती को ठीक किया, वो इनकी समझदारी का सबूत है। इस मीटिंग के बाद हम दोनों के बीच भरोसे जैसी चीज तो रही, इसलिए अब तुम्हें आखिरी ऑर्डर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। अरे रे, ये क्या किया ज्योति, चूड़ी का टूटना अपशगुन होता है, महादेव करे कोई विघ्न ना हो। आज जो कुछ भी हो सब भूल जा और एक बात याद रख, घर में ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तू थका होगा, जा आराम कर। भैया थैंक्स अ लॉट, आज आपने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, ना ये भूलूंगा कि आपके सिवा किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। भाई अगर अगर आप आज नहीं आते तो मुझे जेल जाना पड़ता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। भैया आज आपने एक भाई होने का नहीं बल्कि एक बाप होने का फर्ज भी निभाया है। मेरे परिवार और उस पे आने वाली हर प्रॉब्लम के बीच मैं हमेशा खड़ा हूं, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। जी भैया, चल जा। क्या चमक रहे ना एकदम? अरे भैया अद्भुत लग रहे, कमाल, एकदम गजब। गजब भैया गजब। ये देख रहा है, डालें देखिए हमारी। अरे भाई आओ असली सेल्फी लेते हैं। अरे चलो भैया, अरे हटो हटो, हटिए हटिए हटिए, आओ खींचो। अरे वो रही हमारी दुल्हनिया, भाभी आ गए भैया। अरे ससुर जी कहाँ? पहले फोटो। आइए आइए आइए। देख क्या रहा है, पलट।
देखिए ना, ज्यादा नौटंकी दिखाई ना तो ये वीडियो शादी के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की तरह चला दूंगा। क्या बढ़िया सा फोटो लेते हैं। ए कैमरा घूम जा, फोटो ले। भाभी जी स्माइल। अरे सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? अरे स्माइल। लो भाई हम क्या दुनिया के आठवें अजूबे हैं? देख क्या रहे हो बे सबके सब? दुल्हनिया है हमारी, बड़ी बड़ी शर्मीली है पर हमारी है। आई, हो तो आइए ले। देखिए ज्योति, उम्मीदों से सजी, शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।